नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लास्ट जल्दी आओ वो कैमरा से बात कर करना आपके प्रॉब्लम है, प्लीज हैंड ओवर, प्लीज हैंड ओवर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन जेनिफर टाइगर, ऑन जेनिफर ध्यान दीजिए टाइगर है, नंबर ऑफ इयर्स है टाइगर्स। द पोम आल्सो बेस ऑन फिल्म 9, फिल्म 9 पर फर्स्ट पोम जो थी माय मदर 66 वो भी फिल्म 9 के ऊपर थी, और ये भी ऑन जेनिफर टाइगर, और इसकी सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन में उद्देश्य है कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किस तरीके से डोमिनेट करती है फीमेल, और फीमेल को बियर करना पड़ता है, फीमेल को बियर करना पड़ता है यहाँ पर जो है मेल सोसाइटी को, और ये लिखी है एग्री रीजन, और इन्होंने जितनी भी होम्स लिखी है वो फीमेल देश से लिखी है, फेमिनाइन उसके लिए लिखी है। तो ऑन जेनिफर टाइगर बहुत अच्छी वोमेन है, ऑन जेनिफर टाइगर फ्रैंक्स अक्रॉस आई स्क्रीन, फ्रैंक्स मैंने उनका उछलती हुई जंपी है, ब्राइट प्रोवाइड रीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ पेन, ऑन जेनिफर से एक सीन सीन भी बनाई है, एक पैनल बनाया है, पैनल बना दिया, एक पैनल है उस पैनल पे ट्री है, ट्री के नीचे जो है कुछ है ह्यूमन बींग्स बैठे हुए, और उन्होंने टाइगर बनाया, कुछ टाइगर्स बनाए, वो टाइगर्स मूवेबल दिखाई दे रहे हैं, पूरा ग्रीन भी है वहां पर और टाइगर येलो ही कलर है, ये पैनल जो है वो बनाया है, या कंपेयर किया गया उस पैनल में दिखने वाले टाइगर जो मेल है उनकी लाइफ स्टाइल, और जेनिफर जो कि उनको बनाने वाली है वो फीमेल है उनकी लाइफ स्टाइल के बीच का कंपेयर है ना, और जेनिफर टाइगर प्राइस के क्रॉस ऑफ स्क्रीन, और जेनिफर के द्वारा बनाए हुए टाइगर स्क्रीन स्क्रीन में उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैनल में उछलते उछलते मूवेबल तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट प्रोफाइल फीचर्स, ब्राइट प्रोफाइल चमकदार कैसे है, टू बैग, टू बैग में जो होता है डिलीजेंस माने रेजिडेंस, ये उस ग्रीन वर्ल्ड के निवासी है जो कि ब्राइट टोपैज की तरह रहते हैं, राइट येलो इस कलर के है, टोपैज येलो कलर को होता है, इसलिए है इन पर जो है कंपेयर किया गया है, यहां पर इन पर के हिसाब से कंपेयर है, ग्राफिकली कंपेयर किया गया है, ब्राइट टोपैज रिलीजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस ग्रीन वर्ल्ड की एक रिलीजेंस है, रिलीजेंस है, और कैसे रिलीजेंस है, टोपैज अपनी चमक की देते हैं अलग, दे डोंट फियर द मैन विद द थिंग, क्या बात, दे डोंट फियर टाइगर ना, जो लोग बैठे के नीचे उनसे डरते हैं क्योंकि अपनी दुनिया में जंगल में और अपनी दुनिया सब से जो है सब अपने से होते हुए खुद ही टाइगर है, तो मैं डर रहा है राइट, अपने से पावरफुल लोगों को देखता है राइट, कहता है लास्ट में दे बेस स्लीप जर्नी स्ट्रेटजी, वो स्लीप पतले से स्ट्रेटजी मारे पहाड़ से चलते हुए दिखाई दे रहा है, टाइगर स्पीच ऑफ मेड बाय ऑन जेनिफर, सेकंड पैरा राइट, इसमें सात क्वेश्चन है, ब्राइट टू ब्राइट रीजंस राइट, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरी टू हर वूल, सी इज टू ओल्ड टू हैंडल द वूल, इतनी बूढ़ी है कि ऊन की बूंदे को हैंडल करने में भी उनका हाथ फ्लटरी कांप रहा है राइट, फाइंड इवन द इवोनी लिटिल हार्ड टू पुल, इवोनी मींस होता है हाथी दांत, हाथी दांत की लिटिल सलाई बनी हुई है, उस सलाई को खींचने में पुल करने में भी क्या है कहीं फाइंड इवन द इवोनी लिटिल हार्ड टू पुल, उसी इवोनी लिटिल को खींचने में भी उनको तकलीफ हो रही, सी सो द मैसिव वे, अब अगली लाइन अगला फेज शुरू होता है द मैसिव वे, कौन सा वे कहा गया, मैसिव, मैसिव मतलब भारी मर्दाना तकलीफ का, मैसिव वे ऑफ अंकल्स बनी बैंड, बैंड का मतलब आप ब्रेसलेट देख सकते हैं ठीक है, आप हैंडकफ ले सकते हैं लेकिन यहां पर भी से मैसिव वे ऑफ अंकल्स बनी बैंड सिक्स हेवेनली अपॉन ऑन जेनिफर स्पाइन, अंकल ने जो उनको रिंग दी थी सेरेमनी रिंग वो अभी भी मर्दाना वजन तक उनके हाथ में बैठा हुआ, इस एज में फ्लटरी है माता पर रस्सी डियर नॉट टू पीट आउट, उनकी हिम्मत नहीं उस रिंग को डाले राइट, टाइगर्स ने एक स्क्रोन को बनाया इनमें ठंडे है लेकिन उनको जिंदा है, उनकी हाथ क्या है सीज ऑल द गॉडेस इन अंडर द कंट्रोल ऑफ आ मैन ठीक है, और मैसिव जो ऐसी है भारी है, भारी मतलब सी इज नॉट हैप्पी विद हर मैरिज, अपनी मैरिज से खुश नहीं है राइट, सिर्फ
is heavenly, बैठा हुआ heavenly बैठा हुआ उनके दिल में. लास्ट पैरा था ना, लास्ट पैरा फिर ऑन इज डेड. सोचिए जी कि ऑन इज डेड, जब ऑन मर जाए हर टेरिफाइड हैंड्स मिल जाए, उनका डरावना हाथ एक और था. तो डेड बॉडी होना तो डरावना हो, दूसरा डरावना क्यों, क्योंकि उसने अभी भी रिंग पहनी हुई, रिंग की वजह से डरावना है. स्टिल रिंग विद ऑडियल सीवा मास्टर बाई, उसके तब भी मरने के बाद भी वो रिंग बनी होगी जो कि एक्सट्रीमली सीवर, जिसने बहुत तकलीफ दी ऑडियंस माने, मतलब मरने के बाद भी उनकी डेड बॉडी में उनका कोई हक, उसका हक होगा जिसकी रिंग उनकी उंगली में फंसी होगी. लेकिन उसके उनके मरने में टाइगर सा क्या हुआ, द टाइगर इज द फाइनल टैग सी में, वो टाइगर जिनको पहले उन्होंने बनाया है विल गो ऑन क्रॉसिंग, वो वैसे ही चलते हुए दिखाई देंगे. प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो बिल्कुल प्राउड नहीं करेगा, पूछा जा सकता है कैसे करेगा, प्राउड एंड अनअफ्रेड वैसे ही क्रॉसिंग उछलते हुए दिखाई दिखेंगे, जाते हुए दिखेंगे, प्राउड ही बस प्राउड से चलते हुए दिखेंगे, अनअफ्रेड बिना डरे हुए दिखाई लोग उसे डर रहे. लेकिन ये विमेन विमेन से डरती है जो उनके ऊपर शासन करते हैं. चलिए थैंक यू, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जरूर आई जोड़ी.